सागर जिले के राहतगढ़ में शहर कांग्रेस अध्यक्ष फहीम कुरैशी के नेतृत्व में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राहतगढ़ नगरीय निकाय की मतदाता सूची में 1500 से 2000 मतदाता अवैध रूप से शामिल हैं, जिनके नाम अन्य ग्रामों और राहतगढ़ नगरीय निकाय की मतदाता सूची में अवैध रूप से शामिल है, जबकि लगभग 2000 ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम राहतगढ़ नगरीय निकाय की मतदाता सूची में वैधानिक रूप से शामिल किया जाना जरूरी है और पूर्व में वर्ष 2014 में किए गए वार्ड के परिसीमन के अनुसार जिस वार्ड की जो सीमा निर्धारित की गई है उस वार्ड की मतदाता का नाम निर्धारित सीमा वाले वार्ड में ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद थे। सागर से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। के संबंध में देखिए, नगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका नगर पंचायत अध्यक्ष बने बैठे हैं। अभी आने वाले समय में चुनाव है तो जो फर्जी मतदाता हैं उनके नाम काटे जाएं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी कुछ लोग जुड़े हैं, एक नंबर वार्ड है 14 है 15 में, उनके फर्जी नाम काटे जाएं और क्या नाम से सारे विभागों में, मैं अकेले नगर पंचायत में नहीं बोल रहा हूँ, सारे विभागों में CCTV कैमरे लगाए जाएँ ताकि उसकी सही विवेचना हो सके, सही कार्य योजना चालू हो सके। हम कांग्रेस के लोग सिर्फ मुद्दे उठा सकते हैं, काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है और हमारे नगर अध्यक्ष जी ने जो 3 योजनाएं दी हैं उनको पूर्ण रूप से तत्कालीन ही उसका काम चालू हो जाना चाहिए। यदि काम चालू नहीं होता तो हम लोग कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे और राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे और धरना आंदोलन भी करेंगे। हम लोगों को काम लड़ना है, काम करने का काम सरकार का है, सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तीसरी मांग क्या है? तीसरी 2000 के लगभग वो जुड़ना चाहिए और उसका प्रायोजन भी है कि 2021 जनवरी 2021 तक वो नाम जुड़ सकते हैं, तो नाम जुड़ने का काम होना चाहिए और जो फर्जी नाम है वो कटना चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र में कुछ फर्जी मतदाता जुड़े हुए हैं और जो वास्तविक मतदाता है बहुत से उनके नाम नहीं है, तो हम लोगों की मांग है कि जो फर्जी मतदाता हैं उनके नाम काटे जावे और जो वास्तविक मतदाता हैं या जो नए मतदाता हो गए हैं 18 साल से के उनके नाम जोड़ दिए जावे। और दूसरा ये था कि राहतगढ़ नगर में और नगर पालिका में CCTV कैमरे हैं नहीं, हम लोगों को अंदेशा है कि कहीं भी किसी पर झूठा मुकदमा कायम ना हो, इसलिए जगह जगह CCTV कैमरे भी लगवाए जावे क्योंकि चुनाव का वक्त आने वाला है, इसलिए CCTV कैमरे बहुत जरूरी है। पहले भी कई बार मांग हो चुकी है कि CCTV कैमरे लगवाए जाएं जिससे कि निर्दोष लोग बच सकें। आपने जो मांगें रखी हैं अगर वो पूरी नहीं की गई तो आगे आप क्या करेंगे? आगे यही है कि अब हम लोगों की तो मांग है, मांग रख सकते हैं, अगर नहीं मांगेंगे तो हम राज्यपाल को अपना ज्ञापन भेजेंगे, वहाँ जाएंगे वहाँ देंगे ज्ञापन, कलेक्टर साहब को देंगे, यही है हम लोगों का, तो हम लोग तो मांग रख सकते हैं। संबंध में दिया गया, हमने ज्ञापन जो दिया है वो SDM महोदय जी के माध्यम से हमने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है। पूरे क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव की घोषणा हो चुकी है नगरीय निकाय चुनाव की, 2020 की इन्होंने नगरीय निकाय की सूची बनाई है, इससे हम कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में वोटिंग जुड़ने का प्रावधान ये बोल रहे हैं अधिकारी वर्ग और निर्वाचन आयोग। हमने 2021 में जो अभी नाम आए हैं वो अवैध रूप से 2000 लगभग वोट यहाँ ग्रामीण लोगों के जुड़े हैं और इतने ही लोग जो बेहतर तरीके से रह गए हैं उनके नाम जुड़ना अनिवार्य है, तो हम शासन प्रशासन से कलेक्टर महोदय जी से विनम्र निवेदन आग्रह करते हैं कि शीघ्र ही ये नाम जोड़े जाएं। और हमारी और भी जो तीसरी मांग है वो 2014 में नगरीय निकाय चुनाव से पहले परिसीमन हुआ था वार्ड बाई वार्ड, तो उन वार्डों के आधार पर तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव ग्रामीण में हैं, जो बाहर चले गए हैं, जो भोपाल हैं और जो अन्य वार्डों में हैं, तो उनके जांच कराकर जो जिस वार्ड में परिसीमन के आधार पर रह रहा है उसी वार्ड के अंदर उसका वोट आना चाहिए, ये अनिवार्य है। और हमारी एक मांग है CCTV कैमरे पूरे मोहल्लों में जो तमाम अवैध रूप से काम करते हैं लोग वे लगाए जाएँ ताकि जो निर्दोष लोग हैं वो सुरक्षित रह सकें चौराहों पे, और वहाँ से जाओ तो ये हमारी नगर परिषद के अंदर भी CCTV कैमरे लगाए जाएं, क्योंकि हम लोग पार्षद थे इससे पहले भी, ये पूरे नगर के अंदर चौराहों पे ये स्वीकृति थी, आज दिनांक तक नहीं लगी। तो मैं माननीय SDM महोदय जी के माध्यम से कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि शीघ्र ही ये हमारी मांगें पूरी करी जाएँ, अन्यथा 4 दिवस के अंदर
नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।